जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू। तो ये देश केवल हमारे बाप का है, किसी दूसरे की बाप की जागीर नहीं है। ये देश उसी का है जो भारत माता की जय कहता है। ये देश उसका नहीं है जो कहता है कि गर्दन पे छुरी रखो लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। पाकिस्तान जब लेंगे ना तब भी ये हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये भी भूलना नहीं चाहिए। जजों की एक्सपर्टी जिसमें है उसमें निर्णय दे, हमारे लिए मान्य है, अब मान्य करवाएंगे भी। लेकिन जजों का पढ़ाई लिखाई ज्ञान जहाँ तक है उसी सीमा में दे। ईश्वर के क्षेत्र में और प्रकृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप हिंदू करने नहीं देगा, ये मैं इस मंच से बोल रहा हूँ। जिस देश के पुत्र हम ऐसा कहते हैं कि आने वाली हर पीढ़ी पहली पीढ़ी से कम सवा गुना अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर उस पीढ़ी को समलैंगिकता के विवाह के अधिकार मांगे किसने हैं? इस प्रकार के कानून आएंगे तो हमारा परिवार व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आज ये हमारे परिवार न्यूक्लियर परिवार बन गए हैं, उसमें अगर इस प्रकार का होगा तो बच्चे पैदा कहाँ से होंगे? और ये मल्टीनेशनल कंपनियों का षड्यंत्र है कि आने वाले दिनों में बच्चे पेट से नहीं लैब से पैदा होंगे। तो क्या वो हिंदू राष्ट्र स्थापित कर पाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र को बचा पाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र की सीमा को संभाल पाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र की संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे? क्या लैब में पैदा हुए बच्चों में से कोई महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य बनेंगे? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे बाप के घर को, बाप के संपत्ति को, पूर्वज को संपत्ति को हमने किसी को मनुष्यता दिखाते हुए आश्रय दिया, यहाँ रहने दिया, और अगर वो आप कहता है कि इसमें मेरा भी अधिकार है तो ये देश केवल हमारे बाप का है, किसी दूसरे की बाप की जागीर नहीं है। हम लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज में जाते समय बस से जाते थे तो देखते थे कि बस से सफर करने वाले लोगों का अनुभव होगा कि खिड़की से रुमाल निकाल कर सीट पे डाल देते हैं और ये कहते हैं कि ये सीट हमारा है। भाई हम सज्जन लोग हैं, कहते कोई बात नहीं, इसने रुमाल डाल दिया। एक दिन ऐसा ही एक महाशय आ गए, साथ में चार थी और 44 थे, उन्होंने अंदर से उतने ही रुमाल डाल दिए, बाकी लोग चुप हो गए। मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि सीट पर रुमाल डालो यह तो समझ सकते हैं, लेकिन कल तुम मुझे बस पर रुमाल डालोगे और कह दोगे कि यह बस हमारी है, कल पूरे हिंदुस्तान पर रुमाल डालोगे और कहोगे कि हमारा है, नहीं चलने देंगे। हम बहुत सज्जनता के साथ बात करते हैं, इसका फायदा उठाया जाता है, इसलिए हमने हमारी भूमिका थोड़ी तय करनी चाहिए। यहाँ पर संत है, संत की वाणी में बात करेंगे। अभी माननीय अशोक जी विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन के मुखिया के तौर पर बोले, बड़े शालीनता से बात करे, लेकिन सुरेश चौहान के सैनिक है, सैनिक की भाषा में बात करेगा, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान देने के बाद तो रह गया है, लेकिन पाकिस्तान जब लेंगे ना तब भी ये हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संतों की वाणी है और संतों के वाणी के लिए अपने प्राणों को, परिवारों को और पीढ़ियों को निछावर करने वाले परिवार से मैं आता हूं, यह संकल्प तो पुनः दोहराता हूं। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कार्यक्रम यहां पर हो ऐसा आग्रह मैंने किया था, उसको स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष भी हो, उसके अगले वर्ष भी हो, हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद भी हो, तब हम यहां पर सब सामायिक मुद्दों को रख पाएंगे। आज माननीय अशोक जी ने जिस न्यायालय का उल्लेख किया है, मैं बड़े विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में न्यायालय साम्राज्यवाद चल रहा है, बल्कि मैं अधिक स्पष्टता से कहना चाहूं तो इस देश में जुडिशियल एक्टिविज्म का अतिरेक चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है। जजों की एक्सपर्टी जिसमें है उसमें निर्णय दे, हमारे लिए मान्य है, अब मान्य करवाएंगे भी। लेकिन जजों का पढ़ाई लिखाई ज्ञान जहां तक है
उसी सीमा में दे। ईश्वर के क्षेत्र में और प्रकृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप हिंदू करने नहीं देगा, ये मैं इस मंच से बोल रहा हूं। कितने निर्णय हुए आपने कहा, नैतिकता की बातें हमने पता नहीं क्यों हजम कर ली, लेकिन आप ये समलैंगिक विवाह, जिस देश के पुत्र हम ऐसा कहते हैं कि आने वाली हर पीढ़ी पहली पीढ़ी से कम सवा गुना अच्छी होनी चाहिए, वहां पर उस पीढ़ी को समलैंगिकता के विवाह के अधिकार मांगे किसने हैं? किसने मांगे? मैं वो जो LGBTQ के बच्चे हैं ना, मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं और उनको आश्वासन देता हूं, हिंदू राष्ट्र में उन सारे बच्चे जिनके साथ निसर्ग ने ऐसा व्यवहार किया है उनके साथ न्याय होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। वर्तमान व्यवस्था जो है वो आपके शरीर ने आपको जिसके लिए नहीं बनाया उसके लिए बनाकर, उसके लिए कानून बनाकर आपका शोषण और दोहन करने के लिए बन रही है, आपके अधिकार और आपको बचाने के लिए नहीं बन रही है। यह हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा आघात होगा, और इतने बड़े आघात के विरुद्ध अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे होने ना होने का क्या मुद्दा है? ये अगर इस प्रकार के कानून आएंगे तो हमारा परिवार व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आज हमारे परिवार न्यूक्लियर परिवार बन गए हैं, उसमें अगर इस प्रकार का होगा तो बच्चे पैदा कहां से होंगे? और ये मल्टीनेशनल कंपनियों का षड्यंत्र है कि आने वाले दिनों में बच्चे पेट से नहीं लैब से पैदा होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है। और इसलिए मैं आपको पूछता हूं, पहले कितना बड़ा षड्यंत्र है, देखिए पहले कितने लोगों के जन्म के समय सीजरिंग होते थे, लेकिन अब करीब करीब हर एक का होता है, और हिंदू का तो पक्का होता है, बाकी 40-40 करने वालों के कहां होते हैं? ये हिंदुओं के साथ कहां से होता है, क्यों होता है, अभी क्यों होने लगा है, हमारे इतने वर्षों में क्यों नहीं होता था? आजकल एक विज्ञापन आ रहा है टीवी पर, वो विज्ञापन कहता है कि 10 में से 6 बच्चे IVF तकनीक के द्वारा पैदा होते हैं। आज की स्थिति है आज की, 10 में से 6 बच्चे IVF तकनीक से पैदा होते, पहले ऐसा होता था क्या? नहीं। तो आने वाले दिनों में बच्चे पेट से नहीं लैब से पैदा होंगे, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र स्थापित कर पाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र को बचा पाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र की सीमा को संभाल पाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र की संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे? क्या लैब में पैदा हुए बच्चों में से कोई महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर शंकराचार्य बनेंगे? बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और केवल आप जैसा विद्वान ही इसको समझ सकता है, और इसलिए मैं इस मंच से इसको रखने का आग्रह कर रहा हूं। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र के विषय में जैसे माननीय आलोक जी ने कहा, आप आदेश करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये न्यायालय का अधिकार नहीं है, ये देश सबका है, ये सबकी वाली बात नहीं चलेगी। ये देश उसी का है जो भारत माता की जय कहता है, ये देश उसका नहीं है जो कहता है कि गर्दन पे छुरी रखो लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। अरे छुरी भी हम ही चलाते थे, तलवारें भी हम ही चलाते थे, और ऐसे तलवारों के कारण तुमने पतलून बदली है, भूलो मत। और इसलिए ऐसे सभी लोगों को भी इशारा जाना चाहिए। मैं सुदर्शन परिवार की तरफ से पुनः वचन दोहराता हूं कि आपके द्वारा दिया गया आदेश 100% जमीन पर उतरे, इसके लिए हम आपके समय का हर क्षण और जितना भी आवश्यक परिश्रम होगा उतने परिश्रम के पसीने का हर बूंद, और बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो खून की अंतिम बूंद भी आपके चरणों में रखेंगे। मेरे पीछे आप सब एक बार 3 बार हम नारा लगाएंगे, मैं कहूंगा जय तू आपका ये हिंदू राष्ट्रम। अरे AC में बैठकर हिंदू राष्ट्र ना होने के षड्यंत्र रचने वालों के कान में गुजना चाहिए, इतना बड़ा हो। जय तू। प्रणाम। मैंने मैंने आक्रोश में कई बातें कही है, किसी को बुरी लगी होगी तो भी वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए बोला।